चुनाव परिणाम आने से पहले भारत लाइव ने आपको बताया था कि इस बार के चुनाव में जो कुछ भी होगा और जीत हार के बाद हम हर बूथ से आपको आंकड़ा देंगे कि किसने कहां बाजी मारी और किसके जाने से क्या प्रभाव पड़ा। एक बात तो पक्का नज़र आ रहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार से अपने आप को रोक करके रखा, उसका असर महागठबंधन पर पड़ा है। कहा यह जा रहा है कि जो स्थिति थी उसमें मुकामा तो जीत ही गई राष्ट्रीय जनता दल, लेकिन गोपालगंज की सीट भी जीतने में उसे कोई रोक नहीं सकता था, लेकिन नीतीश कुमार के वोट ट्रांसफ़र नहीं होने के कारण ऐसा देखने को मिला है। मुकामा और गोपालगंज उपचुनाव में प्रचार करने नहीं गए नीतीश कुमार, इसका खासा असर पड़ा है। नीतीश के साथ जाने से मुकामा में RJD प्रत्याशी की जीत का अंतर कम हुआ है। ये बात पक्का है कि नीतीश कुमार के नहीं जाने से और उनके अपील मात्र से जनता समझने वाली नहीं थी। इस बार के चुनाव में जो नीतीश कुमार के कोर वोटर थे, कुर्मी धानुक कहार और कुशवाहा जैसे वोटर छिटक गए हैं, ये भी बातें अब स्पष्ट खुल करके सामने आ रही है। कुर्मी धानुक कुशवाहा को वोट BJP के तरफ शिफ्ट हुआ है, जबकि ये JDU के कोर वोटर माने जाते थे। बिहार में हुए दो विधानसभा उपचुनाव के रिजल्ट आने के बाद ये साफ हो गया है कि चुनावी दौड़ में नीतीश का वोट बैंक पूरी तरह से अपनी धमक नहीं दिखा पाया है। ये बातें हम लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए चुनाव प्रचार से अपने आप को दूर रखा। ये बातें हम नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पास तर्क भी है। साफ तरीके से नज़र आ रहा है कि RJD बनाम BJP के बीच काफ़ी संघर्ष वाले स्थिति में यह सच है कि केवल दो विधानसभा क्षेत्रों में से पूरे बिहार की राजनीतिक तस्वीर खींचनी बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन यहाँ पैटर्न जरूर पता चलता है। और कहा यह जा रहा था दोनों खेमे से कि गोपालगंज और मोकामा का चुनाव जब रिजल्ट देगा तो ये तय करेगा कि 2024 और 25 में क्या संकेत मिल रहे हैं। गोपालगंज विधानसभा ने एक बेहतर संकेत दिया है और इस संकेत में तेजस्वी यादव के खुश होने की बहुत सारी उम्मीदें हैं और वो भी अपने बदौलत। गोपालगंज विधानसभा चुनाव में वोटों का गणित अगर देखा जाए तो BJP को 70,000 वोट आए, लेकिन JDU के साथ अब BJP 2020 के विधानसभा चुनाव में लड़ी थी तो उसे 78,000 मत प्राप्त हुए थे, यानी गत चुनाव से 8,000 मत कम आए हैं। ये बात नोट करने वाली है। और वहीं आपको बता दें कि अब BJP की स्थिति का आकलन करें तो BJP के विरुद्ध बैस जाति का उम्मीदवार RJD यानी तेजस्वी यादव ने उतार करके बैस वोटों पर अपना आधिपत्य जमाया है। बैस समाज BJP का कोर वोटर कहा जाता है। 2020 के चुनाव में BJP के पक्ष में वोट किया गया था, ये बातें स्पष्ट हुई थी। इस चुनाव में स्थिति यह है कि BJP के विरुद्ध बैस जाति के उम्मीदवार उतारने के कारण यहाँ वोटों का जो ध्रुवीकरण है वो 60-40 का हो गया। कोर वोटर जो 40% थे उन्होंने RJD को वोट किया है और ऐसी स्थिति में वोटों में अंतर आ गया है। आपको बता दें कि बैस जाति में कलवार ने RJD को पूरी तरह से वोट दिया, लेकिन तेली और बनिया का वोट कुछ हद तक BJP को मिला। सवाल यह है कि इस चुनाव में नीतीश फैक्टर का क्या हुआ। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव ये दोनों सीट जीत गए होते यदि नीतीश कुमार पूरे मन से और प्रचार में गए होते और अपने लोगों से अपील किए होते। हालांकि उन्होंने लिखित अपील जरूर किया था, लेकिन तेजस्वी के दोनों सीटों पर नहीं जीत मिलने के पीछे नीतीश कुमार ने सब गुड़ गोबर कर दिया, ये बात अब कही जा रही है। एक तरफ जहाँ ये कहा जा रहा है कि RJD के कोर वोटरों ने इस बार जम करके वोटिंग किया है और तेजस्वी यादव के फैसले को स्वीकार किया है, ये साफ दिख रहा है कि लालू प्रसाद के विरोध में जो कुर्मी धानुक कुशवाहा को वोट BJP JDU के गठबंधन को मिला वह लालू विरोध में BJP के साथ ही रहा। इस बात को स्पष्ट अब आंकड़े आने के बाद पता चल रहा है। वहीं अगर बात करें मोकामा की तो मोकामा विधानसभा उपचुनाव की में JDU और BJP के उम्मीदवार बने राजीव लोचन जी पिछले चुनाव में 41,000 मत प्राप्त किए थे, जबकि RJD के उम्मीदवार अनंत सिंह को 78,000 मत मिले थे। इस बार महागठबंधन के उम्मीदवार बनी अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को 1,000 अधिक 79,000 मत मिले हैं। वहीं दूसरी तरफ 27 वर्षों के बाद
चुनाव मैदान में उतरी। भारतीय जनता पार्टी को 62,000 मत मिले। यहाँ भी नीतीश फैक्टर सवालों के घेरे में है, जिसको लेकर के लगातार आपने देखा होगा कि राजनीतिक दल के नेता इस पर मंथन कर रहे हैं। आरसीपी सिंह ने तो इसको खोल करके एक एक पर्चा पर्चा बता दिया है। वोट को महागठबंधन उम्मीदवार नीलम देवी का बढ़ना चाहिए था, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कहा जा रहा है कि इस बार नीतीश कुमार भी साथ में आ गए भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, तो इस वोट बैंक में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, लेकिन वोटों में कोई खास इजाफा नहीं हुआ। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने भी नीतीश फैक्टर को माना है कि उनके नहीं एक्शन में आने के कारण, एक्टिव होने के कारण ये फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला, जो 20,000 वोटों का फायदा है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के जहां एक तरफ कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार फैक्टर तो दिखा ही नहीं, ऐसा लगता है कि धरातल पर एंटी लालू मुहिम में कुर्मी, धानु, कहार और कुशवाहा शामिल थे, उन्होंने इस नए गठबंधन को स्वीकार नहीं किया है। इसमें और भी फैक्टर हो सकता है, फैक्टर आरसीपी सिंह भी हो सकते हैं, जिनके साथ जो कुछ भी हुआ जदयू के भीतर उसको लेकर के भी लोगों की नाराजगी हो सकती है। इसके साथ साथ नीतीश कुमार का उपचुनाव में के प्रति उदासीनता दिखाना भी इसका एक बड़ा वजह हो सकता है। इसी के कारण कुर्मी, धानु, कहार और कुशवाहा ने वोट को कहीं ना कहीं देने का मन नहीं बनाया। नतीजन यह वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया और संकेत मिल रहे हैं कि यही कारण है कि जहाँ एक तरफ मोकामा में तो जीत गए तेजस्वी यादव, लेकिन गोपालगंज में उनकी करारी हार हो गई है। बीजेपी के कई नेताओं का ये कहना है कि हम पहले से भी आपको बताते आ रहे हैं कि कुर्मी और धानु एक बड़े डिसाइडर वोट थे मोकामा में, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोट किया है वो साफ नज़र आ रहा है। कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं मोकामा के अंदर जिसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि इसमें मुंगेर जो लोकसभा सीट है उसके अंदर में आने वाले कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां ये निर्णायक वोटर हैं। कहा जा रहा है कि कुर्मीचक, घोसवरी, कुबेरा आदि कई पंचायत हैं जहां बीजेपी ने महागठबंधन के उम्मीदवार से बढ़त बनाया है। गोपालगंज हो या मोकामा, कुर्मी, धानुक व अन्य छोटी जातियों ने नीतीश कुमार और लालू के हाथ मिलाने को लेकर के कहीं ना कहीं अस्वीकार किया है। वहीं आपको बता दें कि एक सबसे बड़ी बात ये सामने आई है कि अंतिम समय में चिराग पासवान को उतार करके भारतीय जनता पार्टी ने पूरा गेम चेंज कर दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या जिसे कहा जा रहा था कि 2024 और 25 का ये सेमीफाइनल है, उसमें कितना सफल हो पाए हैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी, जबकि भारतीय जनता पार्टी दोनों जगह, एक जगह तो उसने जीत हासिल की है और दूसरे जगह उसने अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाया है। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी अब अपने लिए तैयारियां शुरू कर रही है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो आंकड़ा है, नीतीश कुमार का जो काम करने का तरीका है और जिस तरह से उदासीनता उन्होंने दिखाई, वो साफ बता रहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में नीतीश कुमार की उदासीनता के कारण तेजस्वी यादव को जबरदस्त घाटा का सामना करना पड़ा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।